नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग आप कब, कहाँ, कैसे ले सकते हैं और साथ ही में इसकी बेनिफिट क्या है और इस ट्रेनिंग को लेने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप ट्रेनिंग कब ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग लेने के अलग अलग सबके रूल्स हैं। कई जगहों पर ये क्वार्टरली लिए जाते हैं, कई जगहों पर हाफ ईयरली और कई जगहों पे ये एनुअली लिया जाता है। इसके साथ ही कुछ जगहों पे ऐसे होते हैं 25, 30, 50 या फिर 100 स्टूडेंट जब जुड़ते हैं तभी ट्रेनिंग शुरू होती है। तो आज का हमारा विषय है 25 से 30 जब स्टूडेंट जुड़ेंगे ट्रेनिंग लेने के लिए तभी ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे शुरू हो जाती है। ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो भी गवर्नमेंट के तरफ से। और अब बात करते हैं कि आप ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल डिस्प्ले पे आपको एक लोकेशन शो हो रही होगी, साथ ही में उसका एड्रेस भी शो हो रहा है। आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं और इस लोकेशन पे आसानी से जा सकते हैं। इसके बावजूद मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ कि आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो आपको दुर्गापुर रेलवे स्टेशन आना होगा, साथ ही में आपको वहाँ से ऑटो या टोटो को बोलना पड़ेगा। गेमन ब्रिज सरकारी पोल्ट्री फार्म जाना है, वो 10 से 20 रुपए आपसे लेगा और आपको सरकारी पोल्ट्री फार्म पहुंचा देगा। और अब बात करते हैं कि आप इस ट्रेनिंग को कैसे ले सकते हैं और इसके नियम क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए आप साल के किसी भी दिन 365 दिन के अंदर कोई भी एक दिन इस लोकेशन पर आइए, इस पोल्ट्री फार्म में आइए, एक एप्लीकेशन लिख के लाइए कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, साथ ही में आपका लोकेशन, पिन कोड और मोबाइल नंबर लिख के लाएं और यहाँ पर जमा कर देंगे। ओके, तो जब भी इनका ट्रेनिंग या फिर जब भी इनके यहाँ 30 लोग पूरे हो जाएंगे, ये लोग आपको फोन करके बुला लेंगे कि यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, इतने तारीख से आपको आ जाना है। तो आपको उस वक्त पहुँच जाना है और ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के जो नियम है, यहाँ पे 5 गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहेंगे जो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देंगे। 5 दिन लगातार आपको ट्रेनिंग मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। खाने पीने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आपको ये लोग सुबह 10 बजे से 2 से 3 बजे तक ट्रेनिंग देंगे और लगातार 5 दिन ट्रेनिंग देने के बाद ये आपको साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑथोराइज एक सर्टिफिकेट भी देंगे। बट याद रखिएगा कि अगर आपने बीच में एक भी दिन कैंसिल किया ट्रेनिंग लेने में या कोई दिक्कत की तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको फिर से अप्लाई करना होगा और वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी बेनिफिट क्या है। तो इसके बेनिफिट्स ज्यादातर फार्मर्स को पता है, फिर भी मैं बेसिकली आपको बता देता हूं कि अगर आप इस ट्रेनिंग को लेते हैं साथ में इस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट को लेते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिससे फार्मर्स बेनिफिट उठा सकते हैं, इस टाइप के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका अच्छा से लाभ उठा सकते हैं। वरना अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कई जगहों पे आपको दिक्कतें आनी पड़ सकती है। साथ ही में अगर आप कभी लोन के लिए भी अप्लाई करें तो इस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा काम तो नहीं करेगा, बट इस सर्टिफिकेट के बगैर आप पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी हुई कोई भी लोन या बेनिफिट नहीं ले सकते। अब बात करते हैं इस ट्रेनिंग को लेने का सबसे सही तरीका। बहुत सारे फार्मर्स को नहीं पता है कि ट्रेनिंग लेने का सही तरीका क्या है। आपने कई वीडियोस में देखा होगा लोग कहते हैं कि पहले आपको ट्रेनिंग ले लेना चाहिए तभी जाके इस लाइन में उतरना चाहिए। हो सकता है, अपने अपने सबके ओपिनियन है, बट हमने कई साल से फार्मिंग कर रखा है और हमारी जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेनिंग लेने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि अगर आप पहले ही ट्रेनिंग लेने चले जाते हो तो आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज या जानकारी नहीं रहता है, तो आपको वो लोग जो भी समझाएंगे कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा, सब आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। तो अगर आप दिल से किसी भी फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो पहले थोड़े क्वांटिटी में आप अपने घर में 6 महीने तक उसे पालें, थोड़े बहुत गलतियां करें, उनसे सीखें और इस वक्त जब आपका 6 मंथ पूरे हो जाएंगे इस ट्रेनिंग को, मतलब जो घर में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उसे करते हुए, आपको बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी बेनिफिट्स इसके समझ में आएगी और उसके बाद ही आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। इससे होगा क्या कि जब आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे
वो जो भी कहेंगे, जो भी आपको समझाएंगे, पूरा पूरी आपको समझ में आएगा और आपकी जो दिक्कतें हैं आप उन डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या फिर कमेंट में जाकर देखें, हमारा वहां पे नंबर शो हो रहा होगा आपको कमेंट में। तो अगर आपको इससे जुड़ी हुई और भी कोई सलाह चाहिए या फिर आपको ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत आ रही हो या फिर लोकेशन ढूंढने में, तो आप हमें उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।